गांधी विद्या मंदिर ने इस कोविड महामारी में अनेक तरह के कार्य करने की कोशिश की है। उसमें जो लोगों को खाने पीने का या अन्य सामग्री की आवश्यकता थी उनको वो पहुंचाना, एक कोविड केयर सेंटर यहाँ तैयार किया जहाँ हजारों लोगों को क्वारंटाइन या इलाज किया गया है। इसके अलावा हम लोगों ने मानव जाति की रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये सर्व जर हर चूर्ण का निर्माण करना और उसे सब लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश हमने की है। इसी के तहत आज ये परिस्थिति आ गई है कि लगभग हम लोग 6 लाख डोज रोज निर्माण कर रहे हैं और देश में खुद वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा हजारों लोगों को दुनिया भर में हमने सिखाया है कि अपने घर पे ये लोग सर्वजर हर चूर्ण का निर्माण कैसे करें और वो आसपास में सब लोगों को मुफ्त में बांटें। ये सब बहुत सराहनीय है पर पर्याप्त नहीं है। ये वैश्विक महामारी इतनी बड़ा रूप ले चुकी है कि इसके निजात के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ेगा। इसी के तहत हमारी कोशिश है कि इस पृथ्वी के 700 करोड़ जो लोग हैं उन सब लोगों तक ये स्वर्ज और हर चूर्ण को पहुंचाना है। इसके अलावा हम लोगों को धीरे धीरे सब लोगों को ये समझना होगा कि अभी हम लोग मानव जाति के संसाधन का बर्बाद बहुत कर रहे हैं। लाखों एकड़ जमीन पे हम तंबाकू जैसी चीज उगा रहे हैं जो कोई उपयोग की नहीं है। उसकी जगह हम अगर सौंठ, काली मिर्च या अन्य जो स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं उसका अगर उत्पादन करें तो उससे एक आरोग्यता पूरी समाज में फैलेगी और दरिद्रता खत्म होगी। तो इस तरह का हमें मानव जाति को सोचना चाहिए और उसी को सिखाने का गांधी विद्या मंदिर प्रयास कर रहा है। इसके अलावा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा के माध्यम से सत्य को बोध कराया जाए। हम लोग कुछ साल पहले मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के कांटेक्ट में आए और हम लोगों को ये बात की आश्वस्ति जो मिली कि शिक्षा की विषय वस्तु या अनुभव को अध्ययन विधि से पढ़ाया जा सकता है, तो हम लोगों के अंदर एक उत्साह आया और हम लोगों ने इसे अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम एक शिक्षा की विषय वस्तु बनाना और सारे बच्चों को इसको सिखाना ये हमारा लक्ष्य बन गया है। इसी के तहत शिक्षा के मानवीकरण के काम में हम लोग सब लगे हुए हैं और आगे भी इसी के अंदर ही कार्यरत रहेंगे। इसके तहत जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जाएँ और समाज में काम करें तो वो लोग एक सुंदर समाज का निर्माण करें जो अखंड हो, जिसमें कोई जात पात, लिंग वर्ण, किसी का भेदभाव ना हो, इस पृथ्वी में झगड़ा सारा खत्म हो, युद्ध खत्म हो, द्वंद्व खत्म हो और एक पूरे मानव 700 करोड़ जो इस पृथ्वी पे हैं वो सब के सब सुखपूर्वक हमेशा हमेशा के लिए जी पाएं, ऐसा हमारा एक सोच बनता है। उसी के तहत पूज्य नागराज जी ने जो हमको वाप्त वाक्य दिए हैं, भूमि स्वर्गताम यातु, मनुष्य यातु देवता, धर्मो सफलताम यातु, नित्यम यातु शुभोदया, मतलब कि भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो और नित्य शुभ हो। गांधी विद्या मंदिर में हम इतने साल चिकित्सकों का अध्ययन करवा रहे हैं, चिकित्सकों को अध्ययन करवा रहे हैं, उसका मुख्य हेतु ये है कि आज चिकित्सक और रोगी के बीच का जो संबंध है उसके अंदर एक व्यापार के रूप में उसकी स्वीकृति बन गई है। हम उसको व्यापार की वस्तु की जगह व्यवहार के अंदर लाना चाहते हैं और यही काम मानव जाति के लिए गांधी विद्या मंदिर कर रहा है और हम ये चाहते हैं कि पूरा विश्व इस चीज़ को अपनाएं।